अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर आई थी। इस समय पाकिस्तान के 111 रेटिंग अंक हैं, जबकि न्यूजीलैंड से मैच से पहले भारत के 110 रेटिंग अंक थे, यानी बस एक रेटिंग अंक का फर्क। कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराकर भारत फिर से नंबर एक बन गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए अपने 500वें टेस्ट में सोमवार को न्यूजीलैंड को 197 रनों से हरा दिया। भारत द्वारा दिए गए 434 रनों के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड टीम सभी विकेट गंवाते हुए 87.3 ओवरों में 236 रन ही बना पाई। कीवी टीम की ओर से ल्यूक रॉन्ची ने सबसे अधिक 80 रन बनाए, जबकि मिशेल सेंटनर ने 71 रनों का योगदान दिया। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 200 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए। अश्विन सबसे कम टेस्ट खेलते हुए इस मुकाम तक पहुंचने वाले भारतीय हैं। अश्विन ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में न्यूजीलैंड के साथ जारी पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन सोमवार को अपना चौथा विकेट लेने के साथ ही 200 विकेटों का आंकड़ा पार कर लिया। अश्विन ने ये मौका 37वें टेस्ट मैच में हासिल किया है। सबसे तेजी से 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के क्लेयर ग्रिमेट के नाम है। ग्रिमेट ने 36 टेस्ट मैचों में 200 शिकार किए थे। हरभजन सिंह ने अश्विन के साथ 46 टेस्ट मैचों में 200 विकेट लिए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।